हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे? आज मैं अपने सिंपल दिन के बारे में बातें करूंगी। आज मैंने सॉफ्ट चिया सीड्स लिए हैं। क्यों, मैं और कुछ तो खाती नहीं। मैंने योगा करना होता है तो उस टाइम कम से कम 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में, इसलिए मैंने आज चिया सीड्स लेकर थोड़ा कार्डियो करके फिर मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। ये मॉर्निंग का मेरा एक हैबिट बन चुका है कई सालों से, और मैं अपना ईटिंग पैटर्न भी टाइम पर करती हूँ। ये मेरी एक हैबिट हो चुकी है, जो मैं ज़्यादातर अपने खाने की चीज़ों का भी मैं अपना ध्यान रखती हूँ। मैं अपने खाने के प्रति बहुत अडिग हूँ कि मैंने किस टाइम खाना है, कब खाना है। क्यों, शाम को 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती, 7 बजे से पहले ही खा लेती हूँ। 7 बजे खा के फिर मैं 1 घंटा सैर के लिए निकल जाती हूँ। अगर आप अपनी बॉडी में चेंजिंग लाना चाहते हो, अब जो ये एज हमारी है 40-45 है, जो मेनोपॉज की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, इससे हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो हम ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती कि हमें कैसे हेल्दी रहना चाहिए एक्सरसाइज या डाइट के मामले में। ये चीज़ें मेरे साथ भी थी, मैंने भी वेट गेन किया था। मेरे को भी 8-9 साल पहले तक इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, पर अब मैं अपनी बॉडी को समझने लगी हूँ। मैंने किस टाइम और क्या खाना चाहिए, कितने न्यूट्रिशन लेने चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे लिए हेल्दी है, कौन सी अनहेल्दी है। क्यों, एक तो इस एज में आगे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमें ये दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, और बहुत सारे हार्मोनल चेंज भी हो जाते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, इसी के कारण वेट गेन होता है। वेट गेन होने के बाद उसको उसी शेप में लाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। डेली रूटीन एक्सरसाइज और अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक विल पावर लानी होगी कि आपको अपने मन में एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना होगा कि मैं ये कर सकती हूँ और एक हेल्दी लाइफ जी सकती हूँ, मुझे सभी बीमारियों से दूर रहना है तो मैं ये करूँगी। हेल्दी खाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी कुछ ऐसा नहीं खा सकते जिसकी आपको क्रेविंग हो रही है। आप खा सकते हो, पर अगले दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। जो भी आपने खाया है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके और ढेर सारा पानी पी करके जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल लीजिए, तो आपका वेट गेन होगा ही नहीं। और अगर लंच में आपने कुछ ऐसा खाया है तो शाम के टाइम आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दीजिए, वहाँ अपने न्यूट्रिशन को वैल्यू को बढ़ा दीजिए, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जब तक आप ये माइंड सेट नहीं करोगे कि हेल्दी लाइफ के लिए मैं अपने रूटीन में डेली एक्सरसाइज और डेली अपने भोजन में पोषण का ध्यान रखूंगी, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। स्टार्टिंग में आप 3 रोटी से 2 रोटी पर आ जाइए, सैलेड हो जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो, कुल मिला के सारे विटामिन हो, तभी हम हेल्दी खाना खा सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ओके, लेक्चर मैंने काफ़ी लंबा दे दिया, तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा सोचिए, करिए। आज मैंने थाई की एक्सरसाइज की थी इसलिए थोड़ी है एनर्जी लो थी, तो मैं आज ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। तो थोड़ी भूख लगी हुई थी तो 5 बादाम, काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह 4 बजे से 7:30 तक काफ़ी टाइम हो गया, फ्री होके सोचा चलो एक कॉफ़ी ले लेते हैं। अभी मैंने घी निकाल दिया है, आज गाय का घी था तो सोचा उसको गर्म करके निकाल लेते हैं। तो अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। सारा प्रोसीजर दिखाते हैं कैसे किया। यहाँ पर मैंने अपने काले चने बॉयल्ड किए हुए हैं। मेरे फ्रिज में हमेशा काले चने, वाइट छोले, स्प्राउट्स, हमेशा फ्रिज में ये चीज़ें मिलेंगी। क्यों, कई बार कुछ खाने का मन नहीं होता तो इनका सैलेड बन जाता है। कोई आ गया या कहीं जाना हो जब, तो दूसरी बात है, नहीं मेरी यही टाइमिंग है कई सालों से, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट और शाम को डिनर 6:30-7 तक। तो हाँ, खाना खाने को जैसे मन नहीं करता तो थोड़ा सैलेड वगैरह बन जाता है। सब्जियों को स्टेयर फ्राई किया, थोड़ा चना या छोले में लाए तो अपना फुल फिल हो जाता है। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ चैतन्य के लिए,
एप्पल की स्मूदी, तो ये वेट लॉस पर है तो इसके लिए एप्पल की बना, एक एप्पल छील के डाल ली, 2 अंजीर और बादाम और थोड़ा हा गाय का दूध मिलाऊंगी, अंजीर मीठा करने के लिए और थोड़े चिया सीड्स मैंने पहले ही भिगो दिए थे, चिया सीड्स डालूंगी जो इसको काफ़ी देर तक फिर फुल फिल रखते हैं। थोड़ा है इसमें दालचीनी पाउडर डाल दूंगी, एक हेल्दी स्मूदी बन के तैयार हो जाएगी जो वेट लॉस के लिए एक अच्छा स्मूदी का ऑप्शन है, जिसमें फ्रूट भी है, फाइबर भी है, कैल्शियम है। प्रोटीन है जो काफ़ी देर तक पेट को भरा हुआ रखेगा, ये एक वेट लॉस का एक अच्छा ऑप्शन है। आज मेरे को थोड़ी ही मीठे की क्रेविंग हो रही थी, सोचे आइसक्रीम खा लेते हैं, हर टाइम तो नहीं पर जब भी मन करे खा लेनी चाहिए, पर उसको डिटॉक्स कर देना चाहिए। ये मेरा घी भी तैयार है, फ्रिज में रख दिया था मैंने, अब इसका ऊपर का उतार के निकाल दूंगी, फिर इसको गर्म करके किसी एक डब्बे में छान के डाल दूंगी। गाय का प्योर घी है, गिर गाय का तो जो खाने के लिए बड़ा अच्छा होता है, और वैसे भी कोई भी कितना ही बड़ा डाइटिशियन हो वो कहता भी है 2 चम्मच देसी घी दिन में कम से कम खाना चाहिए, जो सेहत के लिए अच्छा है। ये अब मैं माँ के पास बैठी हूँ, उसको लहसुन दिया था छीलने के लिए, लहसुन वगैरह ये मेरे छील देती हैं, मैं उसको छील के अदरक और लहसुन को इकट्ठा ही छील के पीस के और फ्रिज में रख देती हूँ तेल नमक वगैरह मिला के, अब 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए उसको बार बार छिलने की बजाय एक बार ही करके रख सकते हैं। उनके ऊपर वो एक आध छिलका रह गया था जो इनको दिखाई नहीं दिया, तो वो मैं अब उतार रही हूँ। ये अब लंच टाइम हो गया है, लंच की थाली तैयार, जिसमें थोड़े से चावल हैं, सैलड है, काला चना और दही, जिसमें काले चने में प्रोटीन भी है, क्या दही में कैल्शियम है, सैलड में फाइबर हो गया और राइस में तो कार्बोहाइड्रेट है ही। बस रात को डिनर में मैंने थोड़ा है सैलड ही लिया था सफ़ेद छोले का, इतनी भूख तो थी नहीं, सोचा थोड़ा सैलड ले लेते हैं। अब मेरा वॉकिंग टाइम, वॉकिंग से आने के बाद मैं अपने स्टेप दिखा रही हूँ, 10,000 स्टेप मेरे डेली हो जाते हैं और सुबह 1 घंटा योगा हो जाती है, तो काफ़ी है। अब कल के लिए मैंने डिटॉक्स वाटर तैयार कर दिया है, आज जो आइसक्रीम खाई थी अब कल बॉडी को डिटॉक्स करना है। ताकि जो मीठा वगैरह खाया था फैट में कन्वर्ट ना हो। अब मैं रात को ये चाय लेके सोती हूँ, कैमोमाइल टी बोलते हैं इसको, रिलैक्स करती है, नींद अच्छी आती है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, तो एक अच्छा ऑप्शन है रात को जिसको नींद वगैरह नहीं आती हो, तो मैं लेती हूँ, चेंज करके लेती हूँ, कभी मेरी लेमन टी होती है कभी ये। अब मेरा डेली का जो खर्चा होता है रात को मैं बैठ के आराम से वो लिखती हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, यहाँ बैठ के सबसे पूछ के किसने कितने खर्च किए, तो वो सारे काउंट करके फिर, और कल का जो हमारा मेन्यू जो सब्जी वगैरह बनानी होती है बच्चों से डिस्कस करके, ब्रेकफास्ट में कौन सा क्या खाओगे, फिर उसी हिसाब से मेरा चलता है, नहीं फिर सुबह सुबह एकदम बनाए तो वो प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो यही है मेरा डेली रूटीन, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, ओके जी, गुड नाइट।